सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक दिस डार्क परफेक्ट। तो गाइस आज मैं कुछ एक ऐसी गेमिंग न्यूज़ लाया हूँ जो हो सकता है जिन लोगों को अभी मतलब किसी का एग्जाम खत्म हुआ है, किसी का बर्थडे या कोई गिफ्ट ले रहा है टू यू नो काइंड ऑफ प्ले स्टेशन 4 या फिर Xbox One X, तो उनके लिए गाइस बैड न्यूज़ है। क्योंकि अब देखो हो क्या गया है ना कि अभी यू नो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स वाले अपना नेक्स्ट जेन कंसोल रिलीज़ करने वाले हैं, तो मार्केट में जो स्टॉक है प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स वन का वो ख़त्म हो रहा है। तो अब ख़त्म हो रहा है तो ऑब्वियसली जो बचा कुचा स्टॉक होगा ये लोग एक्सपेंसिवली बेचेंगे। अब क्योंकि ये स्टॉक एक्सपेंसिवली बिक रहा है तो यू नो मतलब जो बायर्स है उन्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है कि यार नहीं परचेज़ नहीं करना है। तो अब क्या हो गया ना कि तो यू नो काइंड ऑफ परचेज़ नहीं करना है। तो फिर अब मैं तुम्हारा ना डाउट क्लियर कर देता हूँ इससे रिलेटेड। ओके तो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं फ्लिपकार्ट पे। यहाँ पे मैं अगर प्ले स्टेशन 4 सर्च करता हूँ तो देख लो क्या आता है। देख लो स्टॉक है ही नहीं प्ले स्टेशन 4 का। देयर इज नो स्टॉक अवेलेबल फॉर प्ले स्टेशन 4। ये मिल रहे हैं सो प्ले स्टेशन 4 के नाम पे ये आ रहे हैं। बस एक ये एक स्टॉक है। अभी कुछ देर पहले मैंने गाइस चेक किया था तो ये ओनली 1 लेफ्ट था, वो भी हट गया। बस ये एक स्टॉक बचा है, वो भी इसका प्राइस देखो 51K। सोच रहे हो मतलब एक्चुअली 10 रुपये कम है, बस 52K इसका प्राइस, लगभग 52,000 पर प्ले स्टेशन 4 प्रो। तो गाइस देखो अगर ऑब्वियसली कंसोल मोस्टली वो लोग लेते हैं जो एक्चुअली बजट में गेमिंग करना चाहते हैं, तो यू नो प्ले स्टेशन 4 प्रो के लिए वो भी अगर डबल कंट्रोलर भी है तो यार 40K से ज़्यादा मैं नहीं देता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। वेल टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें जो लेना है लो, बट ये जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था ना गाइस वो यही है कि इसे ना ही लो तो बेहतर है। मैं तुम्हें एक्सबॉक्स दिखा देता हूँ, तो सर्च कर लेते हैं Xbox One के लिए। यहाँ पे Xbox One X सर्च करते हैं तो भी हमें यही देखने को मिलता है, तो भी कुछ भी नेक्स्ट जनरेशन का हमें देखने को यू नो प्रेजेंट जेन कंसोल का देखने का नहीं मिलता है। तो अब जो वीडियो के गाइस टाइटल में मैंने मेंशन किया है कि फ्लिपकार्ट पे प्ले स्टेशन 5 आ चुका है, तो यस मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे भी तुमने ये खोलना जाना है ऑल कैटेगरीज में, इसमें सेलेक्ट कर लो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टोर, उसमें चले जाओ गेमिंग पोर्शन में। तो गेमिंग पोर्शन में गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो प्ले स्टेशन 5 के बारे में इतनी सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली मैंने तो अपना जाके कर दो नोटिफाई मी, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि PS5 के प्री ऑर्डर्स आ गए। और मैं प्रेफर करूँगा कि 50K में PS4 प्रो लेने से ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि मोस्टली जो एस्टिमेटेड प्राइस आए हैं वो आए हैं गाइस 35-40K के अराउंड। तो ये एक बहुत बढ़िया डील होगा कि प्ले स्टेशन 4 प्रो 50 में ले या प्ले स्टेशन 5 हम 40 में ले, तो यू नो बहुत ज़्यादा ही गैप हो गया, होना नहीं चाहिए चाहिए पर ऐसा है। अब गाइज मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा कि अगर सच में तुम्हें अभी तुम लोगों ने सोच लिया कि नहीं भाई अब तो लेना ही है मुझे कुछ भी गेमिंग का कंसोल हो या PC बस लेना ही, तो मैं प्रेफर करूँगा गाइज अगर तुम्हारा बजट 50K है तो गाइज उस बजट में तुम्हें यहाँ पहुँच जाओ, गेमिंग लैपटॉप ले लो, देख लो एक बार i5 8th Gen Asus VivoBook Gaming Core i5 8th Gen 8GB RAM और 512GB SSD। यार कम नहीं होता है इतना। ग्राफिक्स कार्ड देख लो NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, कम नहीं होता है ये सब, इन सारे लगभग सारे लैपटॉप्स में वही ग्राफिक कार्ड लगे हैं, इन सब का बस स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस है। बस यहाँ पे गाइस तुम लोग Asus ROG अगर फैन हो तो बजट थोड़ा बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यार Asus ROG एक्सपेंसिव बेचेगा ही, बट यू नो मतलब वो डिज़र्व करता है वो प्राइस। बट अगर तुम्हें एक बजट गेमिंग लैपटॉप लेना है तो मैं प्रेफर करूँगा तुम्हें Asus TUF Gaming, HP Pavilion, Acer Aspire 7 या फिर Asus VivoBook Gaming Core। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है, अगर तुम फ्रेंड है जिसको यू नो अभी कोई गेमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ परचेज करनी तो उसको ये वीडियो गाइज ज़रूर शेयर करना और कमेंट्स में बताना तुम्हारे और हेयर आउट से गेमिंग से रिलेटेड। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।